तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, तुम इस पे इतने खुश क्यों हो ए भाई? तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई? कैंडल शैंडल भूख से बुझा के, बेसुरों की भीड़ फालतू में लगा के, बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो, हमसे ताली शाली का हजाम मत करवाते हो। ये सब नौटंकी फिर भी चलो झेलने, कंजरिया है बहुत गंदी फैमिली है मेरी, बहुत ज्यादा। रात के 12 बजे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ पे ये इनकी लड़ाई चल रही है कि ये बच रही। फाइनली हम सब ने केक निकाल लिया है और बंटी वीरे का जो नाइट बर्थडे सेलिब्रेशन था वो डन हो गया है। अब हम मिलेंगे कल। ये देखो मारने जा रहे हैं। नाटक की इसमें नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं नहीं नाटक करी बोलती। हाँ नहीं लगा, अरे नहीं मतलब खून वून का नहीं लगा, पर यहाँ पे चाकू लगा। ये देखो ये नो असली चाकू है, मेरे को लगा नकली है। मत नैन्सी को मार रहे, क्या बोल। हम हो चुके हैं रेडी, सवेरे सवेरे प्रीति के घर जा रहे हैं ब्रेकफास्ट पे। ओ मेरा बेबी सोना कागू, ओ मेरा बेबी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी हम लोग सब निकल रहे हैं प्रीति के घर, क्योंकि आज प्रीति ने अल्तमश के फेवरेट अप्पे का ब्रेकफास्ट रखा है। तो सारे बच्चा पार्टी और हम सब जा रहे हैं, और हमारा हुरैन बिल्कुल फ्रेश हो गया है और मामी के पीछे लग लग के इतना मेकअप में इसको शौक है। वहाँ तो इसको लिपस्टिक दूर दूर तक नजर नहीं आती, बट यहाँ पर जो ड्रेसिंग है ना वो खोलती है और लिपस्टिक्स निकाल लेती है। फ्रेंड लिपस्टिक नानी के घर बच्चे ऐसे इंजॉय करते हैं। घर में जितने लोग नहा चुके हैं अपनों के टॉवल यहाँ पर आकर सूख रहे हैं, मतलब 5 है अभी तक। तो मैं नैन्सी हुरैन मम्मा और अल्तमश जगदीप सब फ्रेश हो गया, सिर्फ हरप्रीत बाकी है अभी, है ना। और बड़ी हमारे घर की लड़कियां इतनी अच्छी है, मुंडे तो कुड़िया ना लो पैड़े या पता नहीं की है ना आंदे नहीं छेती। गाइस आज मैं ना रो रहने देखो मंडे ना भाई मामी बोले लो भाई मैचिंग बड़ी नहीं चाहती है यार। कार्टून है सब। बाय गाइस, उत्पल विरा ट्रांसपोर्ट गए किसी काम से और हम लोग जस्ट आके बैठे हैं रिलैक्स प्रीति के घर। यहाँ इतना सुकून है पता है ना, रिलैक्स कैसे बैठे। हाँ ये बैठी है रिलैक्स। और मम्मा के घर के बाहर ऐसा है, ये फेरी वाला वो फेरी वाला बाइक वाला सबकी आवाजें आती है, और प्रीति के घर के पास अगर आ जाओ ना तो इतना रिलैक्स है ना, ज्यादा आवाजें नहीं आती यहाँ पे, सुकून लगता है। अप्पे बन रहे हैं देखो कितने यम्मी। बन गए ऐसे बन गए, प्लीज गिव मी द बाय। पूरा क्या कल है माची के घर पे, वाओ देखो हुरैन कितने क्यूट क्यूट टेडी लेके हुरैन यहाँ के बैठ जाता है। ये देखो हुरैन की सारी टेडी। हमारे घर में बच्चों के जितने भी टॉयज थे ना जो छोटे हो गए वो सारे अब हुरैन के काम आते हैं, कहीं भी चली जाए। गाइज यहाँ पे इन लोग का सबका हो चुका है डन, और इसको पीनी है चाय। चाय पीती ये नशेड़ी है चाय की बहुत बड़ी, पंजाबी लोग चाय ज्यादा पीते हैं। और ये मेरे से भी ज्यादा है, क्यों?
इससे ज्यादा नहीं हूँ, सेम ही है। तो फिर मेरे को बोला हम सेम ही हैं दोनों। नहीं नहीं मैं थोड़ी कम हूँ। नहीं नहीं हम दोनों सेम। ये तो ये येलो वाला गुंडा है हमारी पूरी फैमिली में, इतना बड़ा गुंडा बन गया ना ये। ये जो मैंगो, ये जो है ना मैंगो, ये बहुत बड़ा गुंडा है। हाँ हाँ फोन नहीं देते हम लोग। सलाम कर रही मैं खा दूंगी मैंगो को, मैंगो को खा दूंगी मैं। तो प्रीति के घर से आने के बाद मेरे आए हुए हैं पार्सल मिंत्रा के। ये तो मेरा है नीचे, ये मैंने नैन्सी के लिए मंगवाया हुआ था गिफ्ट, अब उसको देती हूँ, देखना उसका रिएक्शन। ये मेरा आ गया। दिस इज योर गिफ्ट। इसका नाम क्या है? लिटिल लव बाजीराव। बाजीराव और बाजीराव बाजीराव। गाइज का गिफ्ट आ गया जो देखकर ही बहुत ज्यादा खुश है। और ये हार्ट वाले छोटे छोटे हार्ट है इसमें, इसमें छोटे छोटे हार्ट है, ये बहुत ही प्यारा है। और ये सिंपल है नहीं, हाँ ये लॉक वाला है, ये देखो ये लॉक वाले के लिए इतना खर्चा किया। देन इफ्तार के बाद लकी आ गए थे मम्मा के घर, और फिर हम लोग आ गए बंटी वीरे का बर्थडे सेलिब्रेट करने। मेरी वेडिंग के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बंटी वीरे के बर्थडे पे, लकी के बर्थडे पे हम पूरी फैमिली साथ है और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम आ चुके हैं बंटी वीरे का बर्थडे सेलिब्रेट करने इफ्तार के बाद, और बहुत टेंशन में हूँ मैं, लेकिन हम आ गए। हरप्रीत को पता है टेंशन में बहुत आँखों में काजल, आँखों में सुरमा, मम्मी का सुरमा लगे बोलो हैप्पी बर्थडे मिया जी, हैप्पी बर्थडे मिया जी। अब उनको बोलते मिया भाई। तो यहाँ पर हम लोग सब जो है बलून गेम खेल रहे हैं। ये ऐसा है कि ये सारे जो बलून्स है, आपका एक ग्रुप होता है और जिसके पास भी आए ये मिस नहीं होना चाहिए, मतलब ये गिरना नहीं चाहिए। अगर ये गिर गया, ये आपको खेलना है, तो उसके ऊपर पॉइंट आते हैं, वो गेम से निकल जाता है। मैंने गिरा दिया तो देखो मुझे खड़ा होना पड़ा। फिर भी मैं हाथ मार ही रही हूँ। तो रैन को अब देख कर फिर से इसके साथ खेलना है, ठीक है हम लेकर आएंगे देन आप खेलना, ओके। तो बस यहाँ पर हमने स्टार्टर खाया, बहुत सारा एंजॉय किया, फैमिली टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। हमने स्टार्टर खा लिया, अभी डिनर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। गिरजा बंद कर दूं फैन, गिरजा काम कर रही है गाइस। और हमारा ये फैन मैंने आपको बताया कि बहुत इसके साथ हमारा दिल का रिश्ता है, बहुत चिल्लाता है ये, घर की चीज़ें हैं, बच्चे हैं ना। तो ये हमारी गिरजा, जब ये पोछे मारती है तो मजाल है कोई इसके पोछे पे पैर रख जाए। वो कुछ कुछ होती है ना लाइक, तो वो आंटियाँ या फिर वो ऐसी वाली, मतलब जो मैं सफाई कर रही हूँ कोई पैर नहीं रखेगा, ये उनमें से है गाइस। तो पोछे के टाइम पर ये गुंडा बन जाती है। अच्छा होना चाहिए क्योंकि देखो उससे क्लीनिंग जो होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है।
तो चलो आज है मेरा मेबी लास्ट डे और अभी बन रही है चाय और चाय बना रही है नानसुक। गाइस नानसुक अदरक पीस रहा है गाइस, ये देखो चाय में गया इलायची। अच्छा अदरक पीसी नहीं अभी? पीस। हाँ तो आजकल हमारा नानसुक चाय बनाने लग गया, तो बिजनेस मैनेजमेंट करेगा या चाय वाय का ठेला वेला खोलेगा? आजकल चाय वाली बहुत कम आ रही है, पता है देखो सोशल मीडिया पे है ना, मेरी मम्मी एक झपकी लेके आई है गाइस। सवाल थे कि मेरी मम्मा का जो सर्जरी है वो कहाँ हुआ है, तो वो न्यूरॉन धर्मपेट में जो है प्रमोद गिरी सर ने किया है। काफी सारे मुझे सवाल आ रहे थे कि कहाँ से, तो डॉक्टर से देखो बहुत है बॉम्बे में भी, लेकिन जो प्रमोद गिरी हैं धर्मपेट में, गिरी आप पूछेंगे प्रमोद गिरी न्यूरॉन हॉस्पिटल, बेस्ट है बेस्ट, मतलब सर का ट्रीटमेंट और इतने इंटेलिजेंट है वो। मेरी मम्मा की 3 नसें ब्रेक हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने सक्सेसफुल सर्जरी की है। मतलब इतना रश रहता है कि 3-3 दिन लगते हैं आपका नंबर आने के लिए, लेकिन अगर इमरजेंसी है तो सर सब कुछ छोड़ के सबसे पहले पेशेंट को लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है कि आप ब्रेन से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रमोद गिरी न्यूरॉन हॉस्पिटल जा सकते हो। गिरजा मेरे चैनल का नाम तू बोल रही थी उस दिन, देखो आता मेरे चैनल का नाम फिर भूल गई तू। देखो मेरा नाम याद है तो मेरे चैनल का क्यों नहीं याद, क्यों नहीं याद तेको गिरजा? ठीक है अभी देती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, मेरा एक पार्सल आया हुआ था, मे बी मैं वो ड्रेस पहनूँ या फिर आज निकलना है तो कोई सिंपल सा कॉटन का ड्रेस पहनूंगी। वैसे तो अभी लकी आएंगे क्योंकि इफ्तार होगा, या फिर लकी इफ्तार करके यहाँ पहुँचेंगे एंड देन हम लोग निकलेंगे। तो चलो कबड्डी 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 कबड्डी। अरे ये तो बहुत बड़ा मुंगू सारा काट रहा है, ये तो छोड़ दो। काट क्या काट क्या ए मुंगस मत, किसको बाय कर रहा संध्या वॉस? देखी देखी मोटे मार नहीं हो रहा क्या हुआ? कौन है? आ जा ऐसे बोलता बीमार हो गई है। पर क्या हुआ? बाजीराव चला गया बेटा, ये डॉगी के लिए रो रही है। वो ले लिया टी शर्ट है जो लिया था, या अंदर तो नहीं छुपा कर रख दिया? दो रखिए, दो ले ले दो वो भी देख लिया अभी। तो ये है वो इमोशनल टाइम मेरा ख्याल है दुनिया की हर लड़की के लिए जब वो अपनी मम्मी डैडी के घर से जाती है। हम लोग यहाँ पर सब मिल रहे हैं, मेरे भाई भाभी मम्मी पापा बच्चे, प्रीति हमसे मिलके जा चुकी थी। और मतलब एक होता है ना कि देखो अल्तमश रो रहा है, बच्चे अपने इमोशंस को नहीं रोक पाते क्योंकि उनको प्यार मिलता है वहाँ से। मेरे डैडी मिल रहे हैं उनको, जब मैं देखती हूँ पता है सामने या फिर एडिटिंग के टाइम पर जब उनको देखती हूँ तो मैं कभी वो अपनी वीडियोज़ को डिलीट नहीं करती। तो बस मेरी एक इमोशनल से जो विदाई है वो हो गई और आज का खूबसूरत सा व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे न्यू व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।